दुपट्टा इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला नेक्स्ट लेवल सुंदर है। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं करने वाली हूँ मीशो हॉल। तो आई थिंक मैं मीशो हॉल कुछ एक साल बाद करूँ, क्योंकि सच बताऊँ ना तो मुझे कपड़े की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं लग रही एथनिक कपड़ों की, बट टॉप्स वगैरह की क्वालिटी अच्छी है। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, मे बी एक साल में मीशो कुछ चेंज हो गया होगा। और कहना पड़ेगा भाई, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और इतनी प्यारे सेट आए ना, मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं जल्दी जल्दी ना आपको सारे कपड़े दिखाऊं। इस हॉल में आपको फेस्टिव वेयर से लेकर कॉलेज या फिर रेगुलर वेयर के लिए भी आपको कुर्ते मिल जाएंगे। और अब मैं वेट नहीं कर सकती हूँ आपको सारी कुर्तियां दिखाने के लिए, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला कुर्ता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी वो है ये कुर्ता जो मैंने पहनकर रखा है, और ये बहुत 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 ज्यादा प्यारा है। इसका कलर भी बहुत ज्यादा प्यारा है एंड आई थिंक ये सारे ही इंडियन स्किन टोन में ना ये अच्छा लगे। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल भी है ये कुर्ता, पर प्राइस मैं आपको बाद में बताऊं। तो आप कुर्ते के फ्रंट में देखो यहाँ पे ऐसा पैटर्न है और पूरे कुर्ते में ना फ्लोरल प्रिंट बना हुआ है, और इतना ही नहीं स्लीव्स में भी ना सिल्वर लेस का काम किया गया है एंड द कपड़ा इज सो सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल। इस वजह से ही मैं इसे पहनकर शूट कर रही हूँ, क्योंकि जो कपड़ा कम्फर्टेबल सा होता है ना मैं उसे ही पहनकर शूट कर रही हूँ। और सबसे अच्छा मुझे जो लग रहा है वो लग रहा है इसका जो फ्लोरल प्रिंट है एंड द क्वालिटी ऑफ द आउटफिट इज टॉप नॉच। तो इसका जो प्राइस है ना वो है 496 रुपीज। कैन यू बिलीव इट, मतलब आपको तीन सेट मिल रहा है। और इसे मैंने लिया था एस साइज में। वैसे पता है मैं सोच रही थी कि यार ये 496 रुपीज का है ना तो ये अच्छी क्वालिटी में नहीं आएगा, या फिर कुछ तो कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मीशो में क्या होता है ना कि किसी ब्रांड को ना रेप्लीकेट करते हैं, तो इस वजह से वो सस्ते प्राइस में देते हैं। बट कहना पड़ेगा बहुत अच्छा है। तो ये है इसका पैंट, यहाँ नीचे ऐसा सिल्वर लेस का काम किया गया है और ये इलास्टिकेटेड पैंट है एंड द पैंट इज सुपर कम्फर्टेबल एंड फ्लोई, यू विल नॉट फील इरिटेटेड। जो सबसे अच्छी चीज है ना वो है इसका दुपट्टा। दुपट्टा इसका ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इसको आप मस्त ऐसे स्टाइल कर सकते हैं। वैसे मैं दुपट्टा लगाना भूल गई थी, और आराम से ये फिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि फूलेगा या फिर ऐसे भागेगा। और दुपट्टे के चारों तरफ ना ऐसे सिल्वर लेस का काम। पर सच कहना पड़ेगा मीशो तुमने कमाल कर दिया यार, 496 में इतना प्यारा सेट। नेक्स्ट जो है ना वो बहुत ही प्यारा है, उसको आप फेस्टिवल में पहन सकते हो या फिर अपने कॉलेज में पहन सकते हो। दिस कुर्ता यू कैन स्टाइल इट अप और यू कैन स्टाइल इट डाउन डिपेंडिंग ऑन द ओकेजन। दिस इज द कुर्ता इन बेज कलर, 3-4 स्लीव्स है इस कुर्ते में एंड इसका घेरा इज ह्यूज। इस कुर्ते के फ्रंट में ऐसा लेस डिटेलिंग दिया हुआ है, इसका मटेरियल इज टू सॉफ्ट और यहाँ साइड में ऐसे टैसल दिया हुआ है विच इज लुकिंग वेरी प्रिटी। एंड इसके अंदर ना लाइनिंग का मटेरियल भी है विच इज इन थिक क्वालिटी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है लाइक द दुपट्टे का लेंथ। मुझे ऐसे छोटे जो लेंथ के दुपट्टे होते हैं ना वो पसंद नहीं आते हैं, ऐसे मेरे दुपट्टे जो है ना आराम से मेरे नीज तक तो जाने चाहिए। और जो साइड में ऐसे लेस दिया हुआ है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड ये जो कलर है ना इट लुक्स वेरी स्टाइलिश एंड क्लासी, और इस कलर को ना कहीं भी पहनकर जा सकते हो। वैसे काइंड ऑफ ये बेज नहीं है, बेज एंड ग्रे का ना ऐसे मिक्सचर लग रहा है मुझे ये, आई डोंट नो, बट आई लव दिस सूट एंड आई हाईली 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 रिकमेंड दिस सूट टू यू गाइज। तो मैं ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। तो क्या है, जब भी मीशो में ऐसा लिखा हो ना कि गाउन, तो आप समझ जाना कि कुर्ता मिलेगा और दुपट्टा मिलेगा, यू विल नॉट गेट पजामी विद दिस। ये काफी लंबा है, आप ट्रायल वीडियो में देख सकते हो, तो ऐसे पजामा की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट ऐसे पता होना चाहिए। तो इसे मैंने लिया था ओनली 619 रुपीज में इन एस साइज। अब जो नेक्स्ट सेट है ना उसको दिखाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि यार वो बहुत ज्यादा प्यारा है। क्योंकि जैसे ही मैंने उसे पहना और खुद को ऐसे मिरर में देखा ना, तो मैंने बोला यार इसे तो मैं रख ही रही हूँ। तो काफी सस्पेंस खेल चुकी हूँ मैं, तो आपको सेट दिखाई देती हूँ। सो दिस इज द सेट इन रेड कलर, बट दिस इज नॉट ब्राइट रेड, प्यारा वाला रेड है। इस सेट में पूरा बंधेज पैटर्न है एंड आई रियली लाइक बंधेज का पैटर्न। देखो यार ये कैमरे में आके कैसा ब्राइट सा लग रहा है ना। इसके फ्रंट में ना ऐसे गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है फ्रंट, उसमें ऐसा मिरर वर्क भी किया गया है। और एक और चीज, इसमें ना ऐसे टैसल भी दिया हुआ है फ्रंट में, तो ऐसा दिख रहा है, ऐसा नहीं कि छोटा सा टैसल है तो ऐसे दिखेगा नहीं, मस्त अच्छे से दिख रहा है। पेपलम स्टाइल का ये कुर्ता है, यहाँ पे ऐसे स्टिचिंग की गई है और फिर ऐसा फ्लोई वाला पैटर्न है। और इसका जो पजामी है ना उसमें ऐसे गरारा इफेक्ट दिया है, सिल्वर लेस का काम किया गया है, स्टिचिंग की गई है और फिर यहाँ पे ऐसा फ्लो सा बना हुआ है। बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है यार, ऐसे फ्लोई सा है, गर्मियों के लिए इट्स परफेक्ट। अभी थोड़ा सा ह्यूमिड वेदर है तो उसकी वजह से चिप्पी चिप्पी सा लगता है, तो वैसा नहीं लगेगा बहुत। और जो अच्छी चीज लगी ना मुझे इस कुर्ते में वो ये है कि ये रेड कलर में है, बट ऐसा मुझे मैच्योर लुक नहीं दे रहा है। और मैं ज्यादातर प्रेफर करती हूँ ना कि जो भी मेरे कुर्ता सेट हो ना उसमें मुझे ऐसा मैच्योर लुक ना आए, अभी तो मैं नहीं चाहती हूँ, ऐसा थोड़ा सा ऐसे प्यारा सा लगे, क्यूट सा लगे। दिस इज द दुपट्टा, इसका दुपट्टा थोड़ा सा छोटा है, मतलब मैं थोड़ा सा लंबा दुपट्टा प्रेफर करती हूँ, पर मुझे चलेगा क्योंकि पजामी और कुर्ता इतना प्यारा है, तो मैं दुपट्टे वाली चीज को माफ कर देती हूँ। पूरे दुपट्टे में वही बंधेज वाला पैटर्न है और यहाँ पे दुपट्टे के चारों तरफ ऐसा लेस का काम किया गया है। तो मैं इसका आपको प्राइस बताऊंगी ना तो आपको बिलीव नहीं होगा कि यार ये इतना सस्ता कैसे हो सकता। तो इसे मैंने लिया था सिर्फ और सिर्फ 426 रुपीज में। मुझे बिलीव नहीं हो रहा यार कि 500 रुपीज के अंदर इतना प्यारा सेट कैसे मिल सकता है, जिसमें की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और इसे मैंने लिया था एक्सेस साइज में। वैसे सारी ही कुर्ते अच्छे
हैं इस हॉल में, एक दो को छोड़कर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी अच्छी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज वन ऑफ माई फेवरेट फ्रॉम दिस हॉल एंड दिस इज द कुर्ती इन व्हाइट कलर। दिस इज वेरी प्रिटी कुर्ती। पूरी कुर्ती में ऐसे ब्लैक एम्ब्रॉयडरी की गई है छोटी छोटी सी, और जब आप कुर्ती के एंड में जाओगे ना तो ये एम्ब्रॉयडरी ऐसे हेवी सी हो गई है और ऐसे लंबे लंबे प्रिंट्स की गए हैं। और नीचे ना आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसा मोटा कपड़ा लगाया गया है कुर्ते के, ताकि वो ऐसा ज्यादा उड़े नहीं और सब नीचे की तरफ वेट रहे। क्योंकि ये व्हाइट कलर में है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ट्रांसपेरेंट हो सकता है जब मैं इसे पहनूंगी, क्योंकि इसमें भी पजामे नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका जो अंदर का मटेरियल है ना वो बहुत ही थिक क्वालिटी का है, कुछ भी अंदर का नहीं दिखेगा। वैसे मुझे ऐसा क्यों लगा था ट्रांसपेरेंट वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पीछे कुर्ती के बैक में ऐसे डोरी दी गई है और उसके एंड में ऐसे टैसल है। दिस यू विल गेट दिस प्रिटी सा दुपट्टा, जिसमें भी ऐसे ब्लैक एम्ब्रॉयडरी की है, बॉर्डर में ऐसे हैवी किया है और बीच में यही छोटा छोटा प्रिंट किया गया है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है ना, उसकी वजह से ये कुर्ता नेक्स्ट लेवल सुंदर लग रहा है। जैसा ही इमेज में दिख रहा था मीशो में, वैसा ही डिलीवर हुआ है, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। इसका फैब्रिक, इसका क्वालिटी इतना ज्यादा बढ़िया है ना, और इसका घेरा, यू कैन सी इन द ट्रायल वीडियो। और अनारकली जो ऐसे सूट्स होते हैं ना, उसमें घेरा अच्छा होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। इस कुर्ते को ना मैं 10 out of 10 देती हूँ, क्योंकि इसका डिजाइन, इसकी क्वालिटी, इसका फील, सब कुछ बहुत बढ़िया है और मेरे पर भी अच्छा लग रहा है। इसे मैंने लिया था एस साइज में और इसका प्राइस है 713 rupees एंड दिस इज वर्थ एवरी पेनी। जो हमारा नेक्स्ट कुर्ता सेट है ना, वो बहुत ज्यादा सुंदर है और इसका कलर ना सामने से और सुंदर लग रहा है। ये है वो कुर्ता सेट इन वायलेट कलर, सेम कलर है वैसे। यू कैन सी कि आजकल मुझे कलर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, और क्योंकि ना मेरे ऊपर ये कलर अच्छा भी लगा, मैं ना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कलर्स में कि यार ये कलर कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लगता है तो फिर मैं और कपड़े खरीदती हूँ उस कलर में, अगर नहीं अच्छा लगता है तो मैं अवॉइड करती हूँ। तुम लोग भी एक्सपेरिमेंट करो यार, मतलब तभी तो समझ आएगा। मैं अपने कॉलेज में ना, मैंने पूरे 4 साल ना सिर्फ ब्लैक कलर पहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई और कलर अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं एक्सपेरिमेंट ही नहीं करती थी। इसकी कुर्ते में पूरा गोटा पट्टी का काम किया गया है, फ्रंट में ऐसा वी नेक बना है और इसका जो नेक है ना, यहाँ पे ऐसे व्हाइट और गोल्डन मोती का काम किया गया है, और इसकी वजह से ना नेक बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और जैसे ही ये नेक खत्म हुआ ना, बड़ा सा ऐसे एम्ब्रॉयडरी की गई है मोतियों की, व्हाइट और गोल्डन कलर में, और ना ऐसे छोटे छोटे ऐसे फूल बने हुए हैं व्हाइट मोती की, और ये जो स्टिचिंग है ना वो निकलेगी भी नहीं प्रॉपरली। आप पीछे देखो, अच्छे से सिलाई की गई है, बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। लुक एट दिस, कैमरे में सुंदर लग रहा है ना। ऐसे डार्क कलर है, उसके ऊपर ऐसे व्हाइट मोती का स्टिचिंग किया गया है, तो अच्छा प्रॉपर कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। ऐसा भी नहीं लग रहा कि ओवर द टॉप लग रहा है, ऐसे भी नहीं लग रहा कि कम लग रहा है। और स्लीव्स पे भी इसे गोल्डन लेस का काम किया गया है। एंड विद दिस यू विल गेट दिस पजामी इन द सेम कलर। पजामी में कुछ नहीं किया है, सिंपल है, बट आई थिंक कुर्ते में इतना ज्यादा काम किया है तो इट्स नॉट नीडेड। ऑल्सो इलास्टिकेटेड पैंट है, और भाई इसका दुपट्टा ना नेक्स्ट लेवल सुंदर है, एंड फेस्टिवल्स के लिए इट्स परफेक्ट। ये है इसका दुपट्टा, पूरे दुपट्टे में जरी का काम किया है, एंड बॉर्डर्स में तो हैवी जरी का काम किया है गोल्डन कलर में, बहुत ज्यादा सुंदर है यार। और एंड में ऐसे टैसल भी दिया हुआ है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद मीशो राइट नाउ। फेस्टिवल्स के लिए इट्स परफेक्ट, या फिर कुछ छोटा मोटा फंक्शन होना घर में, या फिर कॉलेज में कुछ फंक्शन हो, उसमें आप पहनकर जा सकते हो, एंड द कलर विल सूट यू, ट्रस्ट। क्वालिटी इज सुपर गुड ऑफ दिस कुर्ता, एंड इसका जो मटेरियल है वो है सिल्क ब्लेंड, और इसमें ना 3 colors और अवेलेबल है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, पिंक, रेड और ऑरेंज। वेरी प्यारा कुर्ता, इसको पहनकर ना मुझे ऐसे बहुत ही सुंदर वाली फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके बारे में बताते रहूं पर हम ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके साथ ही लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेट, वरना मैं इसके बारे में बात करते रहूंगी, बहुत प्यारा है। मेरे हॉल में पिंक कुर्ता ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये है वो सेट इन मॉफ पिंक कलर। इसको पहनने के बाद मुझे सच में ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था कि इसे मैंने मीशो से लिया है। यू कैन सी द प्रिंट इन फ्रंट, ऊपर का कपड़ा भी थिक क्वालिटी का है, और अंदर जो लाइनिंग का मटेरियल है ना वो भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। इसका जो कपड़ा है, आपको समझ आ रहा है क्या कैमरे में, कि हल्का हल्का शाइन कर रहा है दूर से, बहुत हल्का सा प्यारा वाला शाइन, और स्लीव्स में ऐसे गोल्डन लेस का काम किया गया है, सुपर क्वालिटी, एंड दिखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। फ्रंट में ऐसा सिल्वर थ्रेड का काम किया गया है, और यहाँ बटन दिया हुआ है, और ये बटन आप ऐसे ओपन भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा है कि यार मुझे फ्रंट का ऐसे बटन ओपन करना है। मुझे बन ज्यादा अच्छा लग रहा था, चंदेरी सिल्क का कुर्ता है ये, इस वजह से हल्का हल्का शाइन कर रहा है। एंड इसके साथ यू विल गेट दिस नेट का दुपट्टा, जिसपे से गोल्डन डिजाइन का काम किया गया है, और इसे प्रॉपरली थ्रेड से स्टिच किया गया है, तो ये निकलेगा भी नहीं, पर सुपर सुपर सॉफ्ट है और प्यारा सा लग रहा है। इलास्टिकेटेड पैंट है, और पता है एक और चीज, मैंने भी जितने कुर्ते हैं ना, किसी में भी ना पैंट में लाइनिंग का मटेरियल नहीं दिया, बट इसमें पैंट में भी लाइनिंग का मटेरियल दिया हुआ है। बहुत अच्छा कुर्ता है यार, मतलब क्वालिटी पे काफी काम किया गया है इस पे। ओवरऑल पूरा कुर्ता मुझे बहुत खूबसूरत लगा, मे बी थोड़ा ज्यादा ही अच्छा लगा क्योंकि पिंक कलर में, यू नो माई लव फॉर पिंक कलर। तो इसे मैंने लिया है एक्सेस
साइज में और इसका प्राइस है 527 रुपीज ओनली। ज्यादातर कुर्ता सेट ना 500 रुपीज के आसपास ही है या फिर अंदर ही है, बस एक दो कुर्ता सेट है जो कि 500 रुपीज को क्रॉस कर गया है। अब जो नेक्स्ट कुर्ता है वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है। वैसे ना ये एक एक्सपेरिमेंटल पीस था, मैं हर हॉल में ना एक एक्सपेरिमेंटल पीस लेती हूँ देखने के लिए कि ये कलर या फिर ये डिजाइन मेरे ऊपर कैसा लगेगा। सो दिस इज द सेट इन लाइट पिस्ता ग्रीन कलर। वाह कितना प्यारा लग रहा है। सच बताऊ ना तो मुझे इस सेट को देखकर ऐसे लग रहा था कि यार मेरे ऊपर ये प्यारा नहीं लगेगा और मेरी मम्मी ने भी मुझे डिमोटिवेट कर दिया था, क्योंकि जब ये पैक होकर आया ना तो हल्का सा ऐसे कलर इसका दिख रहा था पॉलिथिन से, तो मम्मी ने बोला यार ये कौन सा कलर लिया है तूने, ये थोड़ी अच्छा लगेगा, कितना ज्यादा ब्राइट है। पर जब मैंने इसे पहना इतना सुंदर लग रहा था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है ना कपड़ों में जब तक आप उसे पहनोगे नहीं ना तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये आपके ऊपर कैसा लगेगा। मस्त फ्लोई सा अनारकली है और यहाँ पे ऐसे नूडल स्ट्रैप्स हैं और फ्रंट में ऐसा गोल्डन लेस का काम किया गया है, दिस हैज वी नेक। मुझे बस एक चीज लगी कि यहाँ जो ये स्ट्रैप है ना अगर ये एडजस्टेबल होता तो और अच्छा होता। मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा ना डीप जा रहा था मुझे, तो मुझे इसको हल्का सा ना कटवा के यहाँ पे स्टिच करवाना पड़ेगा। एक्सट्रीमली लाइट वेट सेट है ये, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ पहन कर रखा है। और ये है इसका प्यारा सा दुपट्टा। वैसे मैंने ना इसके दुपट्टे की वजह से इसको लिया, मुझे फ्लोरल प्रिंट्स ना बहुत पसंद आते हैं, तो इसके दुपट्टे में ना आप ऐसे देखो व्हाइट कलर के ना हल्के हल्के ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्लावर बना हुआ है, वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। और पूरे दुपट्टे में ऐसे गोल्डन लेस का काम किया गया है। वैसे एक प्रॉब्लम है इस सेट में, वो भी मैं आपको बता देती हूँ भाई। मुझे पता नहीं था कि गाउन मतलब कि सिर्फ आपको दुपट्टा और कुर्ता मिलता है, तो जब मैंने इसे पहना तो ये ट्रांसपेरेंट था, तो मैंने इसके नीचे ना अपने व्हाइट प्लाजो पहने थे तब सही हो गया था ये। इसका जो लाइनिंग है ना वो भी ऐसा थिन है, अगर आपके पास कुछ लाइट कलर का प्लाजो हो तो वो पहन लोगे तो वेल एंड गुड। तो इस सेट को मैंने लिया था एक्सेस साइज में और इसका प्राइस है 520 रुपीस ओनली। तो चलो काफी तारीफ हो चुकी है मीशो की, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी गलत पीस ना। तो ना पहले मैं आपको सेट दिखा देती हूँ, दिस इज द सेट एंड आई रियली डोंट लाइक दिस सेट। ये देखो आप ट्रायल वीडियो में कैसे अजीब सी लेंथ में रुक रहा है ये। कपड़े की क्वालिटी एंड ऑल इज गुड बट ये क्या लेंथ है यार, मतलब ना ये फुल है ना ये हाफ, और इसमें पजामी भी नहीं मिला है क्योंकि वही ये गाउन था, तो इसमें सिर्फ आपको कुर्ता मिला है और दुपट्टा मिला है। मुझे तो इसका ना ट्रायल वीडियो शूट करने का भी मन नहीं कर रहा था, मुझे इतना बकवास लग रहा था इसका लेंथ। पर मैंने सोचा कि यार जिसकी हाइट मुझसे कम होगी उनको शायद ये अच्छे से आ जाएगा, तो मेरी हाइट है 5'5", तो अगर आपकी हाइट मुझसे कम है तो आपको ये सही आ जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ही कोई कपड़ा है जो कि पुराना हो गया है और मुझे अब ये छोटा पड़ने लगा, तो मैंने इसको पहन लिया, वैसा फील हो रहा था मुझे इसे पहनकर। तो बस आप लोगों के लिए शूट किया यार ट्रायल वीडियो, अंदर से तो बहुत गुस्सा हो रहा था कि ये क्या लेंथ है, ये कौन देता है। दुपट्टा भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, मे बी किसी को पसंद आया तो आप ले सकते हो। यहाँ पे गोल्डन लेस का काम किया गया है और पूरे कुर्ते में ऐसा प्रिंट बना हुआ है, और सेम प्रिंट ऐसे कुर्ते में भी है, ऐसे राउंड नेक है फ्रंट में एंड इट हैज 3-4 स्लीव्स और इसका घेरा भी अच्छा है। बट वही है यार ऐसा छोटा सा पहन के कहाँ जाऊंगी मैं। तो इसके साथ ही ये वीडियो खत्म होता है, मुझे बहुत मजा आया शूट करके, काफी टाइम बाद में मीशो एथनिक हॉल कर रही हूँ। तो अगर मैं आपको अपने टॉप 3 बताऊँ ना तो पहला होगा ये जो मैंने पहन कर रखा है, दूसरा होगा दैट ब्राइट रेड वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड तीसरा वुड बी इसी में जो पर्पल कलर है वो, उसका जो फ्रंट का डिजाइन है ना जो काम किया गया है वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो दिस विल बी माय टॉप 3। वैसे सबकी क्वालिटी अच्छी है और इसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपको बता ही दिया है, तो अपने हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हो फेस्टिवल्स के लिए। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।